साथियों जय हिंद। साथियों कोटा यूनिवर्सिटी बीए का टाइम टेबल जारी हो चुका है और टाइम टेबल जारी होने के साथ ही जो विद्यार्थी है उनके मन में ये शंका बनी हुई है कि जो अपना एडमिट कार्ड है वो कब तक जारी होगा, और उसके बारे में मेरे को बहुत सारे कमेंट भी मिले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ लाइव जो अपने कोटा यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उससे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो कहाँ पे जारी किया जाएगा और आप उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो जो कोटा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पे हैं, एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट्स वाला ऑप्शन आएगा शुरू जो मेन फ्रंट वाला पेज है उस पे। तो उसके सामने आपको जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का ऐसा इंटरफेस सामने है, और इस इंटरफेस पर जाके आप यहाँ पर चेक कर पाओगे स्टूडेंट पैनल मेन एग्ज़ाम 2020 का ऑप्शन आएगा फर्स्ट। सेकेंड ऑप्शन आएगा एडमिट कार्ड मेन एग्ज़ाम 2019-20 वाला, रिजल्ट्स का भी ऑप्शन है स्टूडेंट पैनल फॉर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है अपना कॉलेज पैनल, उसके बाद में यूनिवर्सिटी पैनल, और जो जो अपने ये लास्ट में है ये दो ऑप्शन भी अपने को, थ्योरी एग्जामिनर पैनल और प्रैक्टिकल एग्जामिनर पैनल, दो ऑप्शन है, एक थ्योरी वाला और एक है प्रैक्टिकल एग्जामिनर पैनल। तो अपने जो एडमिट कार्ड मेन एग्ज़ाम 2019-20 यहाँ पे क्लिक करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में आ जाएगा जो सेलेक्ट यूजी पीजी और प्रोफ, इसमें आपने जो भी आपका कोर्स है वो सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे पीजी का अपन सेलेक्ट कर, यहाँ पे अपन ने पीजी वाला है वो सेलेक्ट कर दिया है। पीजी वाले पे सेलेक्ट करने के बाद में अपन ने नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा वो सेलेक्ट क्लास, जो फैकल्टी टाइप है उसमें अपन को सेलेक्ट करना है कि हमारी कौन सा जो चल रहा है सेमेस्टर, जैसे कि हमने बीए, एलएलबी, एमएससी, एमकॉम, एमए और सेमेस्टर इनमें आ गया। तो अभी इसमें बीए वाला आया नहीं है, जैसे अपने बीए के एडमिट कार्ड जारी होंगे तो बीए वाला भी आ जाएगा। और उसके बाद में जो अपने को प्रोसेस्ड है वो प्रोसेस्ड पर कर देना, जैसे ही अपने एडमिट कार्ड है वो आपके सामने निकल जाएंगे, मतलब आपके सामने शो हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपना एडमिट कार्ड जारी होते ही आप देख पाओगे, और लगभग 2 से 4 दिन का इसमें टाइम लग सकता है। दोस्तों थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।